आशीष भैया अपनी बाकी और टीम से मिलवाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं सारी टीम से मिलवाना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले मेरे पूजनीय, मेरे आइडियल, मेरे माँ बाप भी आज सेट पर आए हुए हैं, तो अम्मा पापा आप लोग भी आइए। और नमस्कार, ये मेरे फादर हैं, ये मेरी माता जी। हाँ हाँ, इधर आ जाइए मामा, आप। ये मेरे पापा जी और ये मेरी माता जी। और काफ़ी दिन से लोग कह रहे थे कि शूट चल रहा है, हम लोग आएंगे देखने, और आज आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम लोग का सीन भी बहुत अच्छा था, और एक सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि आप लोगों ने काम भी किया है एक जगह, उसमें छोटा सा सीन में। और हमारे DOP सर मुरुगन दादा जी, आइए, मैं चाहूँगा आपसे मिलाऊँगा, आप लोग बैठ जाइए। ये हमारे DOP सर वेल मुरुगन अन्ना जी फ्रॉम चेन्नई, और माइंड ब्लोइंग, मतलब इनको जितना कहा जाए उतना कम है। तमाम फिल्में, अल्लू अर्जुन, रजनीकांत जी, फिर हेरा फेरी 2, अपने इंडस्ट्री की कुछ, खेसारी भैया की, दिनेश भैया की, अक्षरा जी की, और पवन भैया की बॉस वगैरह, इन्होंने बहुत ही अच्छा सिनेमा शूट किया है। तो बहुत ही कुछ ज़्यादा ही ये गार्जियन की तरह लव करते हैं, प्यार करते हैं सेट पर, और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे जैसे आशीष को, मतलब गौरी बनाने वाली गौरी को मैं बुलाता हूँ, हमारी मैडम शोभा जी जो कि इस साइड से आ जाए, हमारी मेकअप आर्टिस्ट हैं, हेयर ड्रेसर हैं, सब कुछ ऑल इन वन हैं ये। और इन्होंने ही मुझे, हम लोग सेट पे रोज इनको चिढ़ाते हैं, हम और ज्ञान भैया मिलके, कि यही वो औरत है जो मर्दों को इजड़ा बना रही है। गौर से देखिए इस औरत को। और मेरे स्टोरी राइटर और कॉन्सेप्ट डायलॉग जिन्होंने दिया, मेरे भाई नवीन जी, नवीन प्रजापति जी। हाँ, कहना चाहेंगे इस फिल्म को? सबसे पहले तो ये देख रहे कार्यक्रम को सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है, और ये फिल्म बहुत ही उम्दा है, ज़बरदस्त है, आप लोग देखिए, और इसमें नया कुछ देखने को मिलेगा। और जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लोग नारा लगाते हैं पर कुछ दिखता नहीं, बस एक नारे के लिए होता है, लेकिन हमारी फिल्म में ये दिखेगा कि बेटी बचाई कैसे जाती है और बेटी पढ़ाई कैसे जाती है। तो सारा कुछ हम लोग देंगे इस फिल्म में। एक कॉन्सेप्ट कैसे आपके दिमाग में आया, इस पर भी स्टोरी लिखना चाहिए? एक्चुअली हमारे फ्रेंड आशीष जी हैं, तो यहाँ से लेके मुंबई तक उन्होंने सफ़र किया, हमने भी कई बार इनसे जिक्र किया कि हम लोग किन्नरों पे कुछ काम करें, तो इनके दिमाग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे आए, तो हमसे हम लोग जिक्र किए, तो पहले तो ये हुआ कि हम लोग किसको लेके काम करें। तो मैंने पूरा रिसर्च किया, मैंने कहा भाई तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, मैं पूरे मतलब उसके साथ कह रहा हूँ कि आपके अच्छा, आपके अलावा कोई अच्छा कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग शुरू से थिएटर से थे, और थिएटर में जो ज़बरदस्त एक्टिंग करते थे ना, उस समय भी इनका डंका था थिएटर में, तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते थे। तो मैंने इनको उकसाया और बोला कि नहीं, ये चैलेंजिंग है लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। इन्होंने कहा ठीक है मैं ही करता हूँ, नहीं तो पहले हम लोग सोच रहे थे, लेकिन मैंने बस इन्हीं पे जिद की मेरी कि नहीं यही करेंगे तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करेंगे। आपके विश्वास पे, उम्मीद पर कितना खरा उतरा है? मैंने जितना सोचा था, मैं क्या बताऊँ, मतलब चैनल के माध्यम से उससे कहीं ज़्यादा, दुगुना तिगुना कहते हैं कि मतलब उससे बहुत ज़्यादा हुआ। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म में? थैंक यू, हम लोग सब लोग अच्छे हैं, इनसे बात करवाइए। मैडम आप बताइए, इनको गेटअप देने में कितना आपको समय लगता है, कितना मेहनत करनी पड़ती है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऊपर से नीचे तक सजाना पड़ता है, हमको 3 घंटे लगते हैं, सब कुछ बनाना पड़ता है, फर्स्ट टाइम 3 घंटे लगते हैं, पूरा एक जेंट्स को लेडीज बनाना पड़ता है, समझ जाइए, और एक यही नहीं पूरे टीम को बनाना पड़ता है, किसी का नाक का गिर जाएगा, किसी का कान का गिर जाएगा, सबको ढूंढ ढूंढ के पहनाना पड़ता है। और इसी क्रम में ये हमारे बालिंदु जी, अरे बालिंदु जी, और आप भी आ जाए। ये लोग हमारे मतलब सीन में, पिक्चर में ये लोग हमारे मतलब दोस्त हैं, कलीग्स हैं, हम सब साथ में रहते हैं एक फैमिली में, तो सब किन्नर मिल करके हम लोग मार्केट में बधाई मांगने जाना, ट्रेन में बधाई मांगना, क्रॉसिंग पे बधाई मांगना, ये गाने हैं सब लोग, ये हम लोग सब लोगों ने साथ में किया है। ये बालिंदु जी हैं,
आप भी आप बताइए। नीतू जी क्या कहना चाहिए इस फिल्म को लेकर, कितना एक्साइटेड है आप? मैं तो अभी पहले चक्कर में आए हूँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। पूरी टीम कैसी है? कैसा? बहुत अच्छी है। तो आगे भी फिल्मों में काम करना चाहेंगे? जी हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लगा, और किन्नरों के ऊपर बन रहा पिक्चर, और पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि मतलब पूरा गेटअप पूरा सीन सबको ऐसा पिक्चर पहली बार मैं कर रहा हूँ। काफ़ी पिक्चर किया लेकिन पहली बार ऐसा पिक्चर। तो इस फिल्म को लेकर आप जो है पूरी टीम और जो आपको बताया गया फिल्म में काम करना है, जी हाँ, तो आपका क्या एक्सपीरियंस काम करना है? आपको ज़्यादा तैयार मनाना पड़ा कि नहीं? आप नहीं कुछ नहीं मनाना पड़ा। ये सब्जेक्ट आपको अच्छा लगा किस? जी बहुत अच्छा लगा। आसिफ जी आपको किस फिल्म में आना चाहेंगे? और हमारा भाई है ओम जी है, गिरी बाबा है, इन लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग स्क्रीन पर आते हैं। सबको प्रणाम। घनश्याम चिल्लर, देखिए एक किन्नर छूट गया था हमारा। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। और हमारे सबसे दिल अजीज भाई अमित भाई, ये पेशे से डॉक्टर हैं अमित जी, लेकिन ये इसमें फिल्म में किन्नर का रोल कर रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट मूवी जो कर रहे हैं माफिया गिरी, तो इसमें उसमें ये मेरे भाई बने हुए हैं, उसका भी शूट स्टार्ट होने वाला है। लेकिन फिलहाल हमने कहा कि शुरुआत करते हैं, तो चलो एक नया सब्जेक्ट है, न इधर का न उधर का, किन्नर वाले सीन से शुरू करते हैं। तो इन्होंने बोला कि ठीक है भैया, पेशे से डॉक्टर हैं, आप इनसे एक बार बात करिए। जी आपको पहली बार जो ये गेटअप लेना पड़ा लेडीज का, क्या कहना चाहेंगे इस गेटअप को? बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है, बट भैया को और बड़े भैया को देख के भी लगा कि हम भी कर सकते हैं। तो आपने कुछ ट्रेनिंग लिया? नहीं, वो मैडम थी, वही मैडम गेटअप वो कर देती थी, बट भैया लोग को देख के तो कर रहे हैं। और क्या कहना चाहिए, आशीष जी के साथ आप जुड़ गए हैं? अब ये बड़े भैया हैं मेरे, इन लोगों का प्यार तो इतना ज्यादा है कि तभी तो ये चैलेंजिंग कैरेक्टर पा सके, सोचिए। तो अब एक्टिंग करेंगे कि फिर अपना डॉक्टर भी करते? वो भी चलता रहेगा, एक्टिंग भी होता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।